नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। भवानी मंडी राजस्थान के राजकीय चिकित्सालय में कोरोना काल में अपनी सेवाएं देते हुए शहीद हुए राजकीय चिकित्सक, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता आदि को गांधी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर डॉक्टर आरसी जीवन माल साहब, डॉक्टर रोहित सोनी, डॉक्टर रोहिताश, डॉक्टर रामस्वरूप, नितिन, जगदीश मीना, ओम पाटीदार, सीमा, अजय, कैलाश गुप्ता, अविनाश, राशिद खान, भारत धुलिया, मनीष रियासत, दीपक राधे, आशिफ भाई, शबीर भाई उपस्थित रहे। होते लेकिन विडम्बना देखे राजस्थान के फर्स्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जन श्री दिनेश जिंदल, उनको एक बेड तक उपलब्ध नहीं हो पाया। सरकार की ये देखिए आप, लाचारी समझो, अव्यवस्था समझो। मेरा यही निवेदन है और सरकार तक संदेश है, हम चाहे तो हम भी घर पर बैठ के या छुट्टे लेके आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार को खतरे के ऊपर हमने रखा और रात दिन सेवाएं दे रहे हैं और सभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इवन भवानी मंडी नहीं, पूरे राजस्थान, पूरे देश में सब अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। उसमें हमारे बहुत से अधिकारी कर्मचारी और फोर्थ क्लास आशा सेविन आंगनबाड़ी अपने जीवन से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं है, ना हम डरे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस संबंध में। और सभी से ये कहे, इसका अभी तक कोई ऐसा वैक्सीन नहीं आ पाया है, सावधानी रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और सतर्कता से कार्य करते रहिए। और ये 2 मिनट का मौन गीताजी प्रजापति, जो गेहूं खेड़ी में पीएससी पे आशा कार्यकर्ता थी, और एक भाग चंजी जो 108 के पायलट है एकलेरा में, वह डॉक्टर दिनेश जिंदल जो फर्स्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जन राजस्थान के, और डॉक्टर दर्शन जी ये जो शहीद हुए हैं। इसमें ऐसे बहुत से ऐसे मेडिकल हेल्थ वर्कर्स हैं, अधिकारी हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उन सभी को साथ प्रणाम। थैंक यू।